अंगूरों की रखवाली पर बैठे बाजवा की जेब की एकमात्र अठन्नी भी इमरान खान सूद की रकम में जोड़कर देनदारों के हवाले कर गए। अब बाजवा की बज रही है आगे से भी और पीछे से भी। इस शोर में एक बात भी स्पष्ट हो रही है कि पाकिस्तान केवल भारत को देख लेने की बातें ही क्यों करता रहा, उसने भारत को देखा क्यों नहीं। वैसे जब पतीला खाली हो और डेगची पिछवाड़े पर लटकी हो तब हीरा मंडी में घुंघरू नहीं खनका करते हैं, यानी जिस मेडल छाप किराए की सेना के खातों में पेंशन और तनख्वाह के लिए पैसा नहीं बचा हो, चेक बाउंस हो रहे हो, वह जंग कैसे करेगी। उनकी तशरीफ के तो दोनों तबले खुद ही एक दूसरे से जंग कर रहे हैं। और शायद एलओसी पर आज जो काम पाकिस्तान कर रहा है उसका परिणाम भी उसे जल्दी ही भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान की एलओसी पार न करने की हिदायत को दरकिनार करते हुए आज पीओके से भारी संख्या में लोग नियंत्रण रेखा की ओर मार्च कर रहे हैं। पीओके के लोग जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के विरोध में यह मार्च निकाल रहे हैं। इससे पहले पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने शनिवार को प्रदर्शनकारियों को एलओसी पार न करने की चेतावनी देते हुए कहा था कि किसी को भी एलओसी पार करके कश्मीरियों की मदद या समर्थन देने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो भारत इसे पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद कहेगा। मार्च करने वाले ज्यादातर युवा शनिवार को पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद से गढ़ी दुपट्टा पहुंचे, जहां वे रात भर रहे हैं। फिलहाल वे मुजफ्फराबाद श्रीनगर राजमार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। ये विरोध जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट द्वारा आयोजित किया गया है। जेकेएलएफ के एक स्थानीय नेता रफीक डार ने मीडिया को बताया कि भारत और पाकिस्तान के लिए संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षकों के समूह ने भी उनसे संपर्क किया था, पर फिलहाल भारत सतर्क है और एलओसी को पार करने वाले किसी भी पाकिस्तानी को वापस नहीं जाने दिया जाएगा। पाकिस्तान ने भारत के साथ राजनयिक संबंध कम कर दिए और भारतीय उच्चायुक्त को भारत भेज दिया। पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत के आगे उसे हर मंच पर भारत की ओर से कश्मीर मसले पर हार मिली है। भारत ने कश्मीर मसले को अपना आंतरिक मामला बताया है। भारत ने पाकिस्तान को वास्तविकता को स्वीकार करने और भारत विरोधी बयानबाजी को रोकने के लिए कहा है, लेकिन पाकिस्तान फिर भी बाज नहीं आ रहा है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद।